राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः ब्रह्म श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पादोत्तर सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग अनुरोध प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पादोत्तर सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग तीसरे अध्याय को श्रवण करें। तीसरे अध्याय का जो विषय है कहते जो नैमित्तिक धर्म है। कहते नैमित्तिक धर्म किसको कहते हैं बोलो? नैमित्तिक धर्म किसको कहते हैं? हाँ समझे कि नहीं बोलो? नैमित्तिक धर्म किसको कहते हैं तुम बोलो? नैमित्तिक धर्म किसको कहते हैं? हाँ हाँ, इसलिए कहते जीव का जो बदला हुआ स्वभाव है, जीव का जो असली स्वभाव नहीं है, जीव का स्वरूप क्या है? जीव रे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम सबके सब भगवान की ही दास हैं, लेकिन अभी हमारे जो माया की वजह से हमारे जो स्वभाव है अभी बदल गया। बदल करके अगर हमें पूछो तुम कौन हो, फिर हम ये परिचय नहीं देते हैं हम कृष्ण का ही दास है, वह हम वैष्णव का दासों का दास ये परिचय हम नहीं देते। फिर क्या परिचय देते हैं? मेरा नाम ये है, मेरी पत्नी ये है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे दुकान है, ये मेरी मकान है। जैसे किसको पर भूत सवार होने पर उदाहरण दिया, पिशाच पाइले जन मति चरण है मायाग्रस्त जीवर है सेवा हो। मतलब जब किसी व्यक्ति को भूत पकड़ ले, आप तो कभी देखे नहीं होंगे भूत किसको पकड़ता है, कभी बालाजी जाओ तो देखा हो, देखो अभी वहाँ पर कैसे जीव का कैसे विकृत स्वभाव है। फिर जो असली जो व्यक्ति है ना, वो अपना परिचय नहीं देता है, वो सारे भूतों का परिचय देता है। अमुक जगह में मेरा जन्म है, अमुक स्थान पर पेड़ में रहता था, वो बाल बिखर करके जा रहा था और मैंने पकड़ लिया, इसको मैं ले करके जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं इसको, हैं? वो सारे उल्टा पुल्टा बात बोलने लग जाते हैं भूत। जैसे किसको पर भूत सवार होने से जैसे वो संपूर्ण रूप में अपना असली परिचय नहीं देकर नकली परिचय देता है, उसी तरह जो जीव, आप लोग तो अभी सब समझ गए हो, आप लोग तो भक्त हैं, आप लोग पूछो तो आप सब भक्ति का परिचय देते हो, हमारे हम वैष्णव का दासों का दास, हम सब भगवान के सेवक हैं। लेकिन जो आम व्यक्ति जो भक्ति में नहीं आए हैं, उनको तत्व ज्ञान नहीं हुआ है, कहते ना चक्षुर उन्मिलितम जेन तस्मय श्री गुरुवे नमः। इसलिए चक्षुदान दिला जय जन्म जन्मे प्रभु से ही
दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। जब हम सद्गुरु चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं, हमें गुरुदेव दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। तो दिव्य ज्ञान को अगर हम बताते भैया तुम्हारी ये परिचय नहीं, तुम तो केवल भगवान का दास, वैष्णव का दासों का दासों का दास है। इसलिए दासन दास भवितास में दो वित्रा सूर्य कहते प्रभु हमें अपना दासों की दासों का दास, आप मेरे को दासों का दास समझो है। इसलिए यहाँ पर कहते जो ये नैमित्तिक धर्म है, जो किसी निमित्त को जैसे बताया ना पहले पानी था लेकिन फ्रिज में रख दो तो क्या बर्फ हो जाता है, कहते उसी तरह अभी पानी का परिचय नहीं देता है, कहते मैं बर्फ हूँ लेकिन जब फिर गर्मी का संस्पर्श में आए फिर तरल होता फिर पानी बन जाता है। इसलिए जो उसका बदला हुआ जो स्वभाव जीव का, इसको कहते हैं ये नैमित्तिक धर्म। ये क्या है बोले ये असंपूर्ण, ये पूर्ण नहीं है। कहते है यह मतलब अत्यंत बेकार है, घृणित है, हैं जीव जब भगवान को भूल करके अपना जड़ जगत का परिचय देता है, कहते अत्यंत अत्यंत निकृष्ट ये धर्म ये है और ये अचिरस्थाई, कहते ये चिरस्थाई नहीं दो दिन के लिए हैं। इसलिए कहते ना ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, बराबरी और गोपाल दूसरे जो चुड़ल अमर हो जाए। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की गोपी बना, ये असली परिचय है हैं। इसलिए हर जीवन में रुक्मिणी कृष्ण के पास में पत्र लिखती है बोले प्रभु हर जन्म में पुरुष होने पर पति, पति होने पर पत्नी, हर जीवन में नए नए मिलते हैं हैं। हम तो सात तरह लगाते हैं, सात जन्म तक रहेंगे लेकिन पता नहीं कितने जन्म तक रहेंगे हैं। इसलिए हर जीवन में हमारे सब परिचय बदल जाता है पूरा पूरा। इसी जीवन में जहाँ पर जन्म हुआ वही झूठा परिचय देते हैं, बाहर शरीर छूटते ही और कहीं जन्म लेते हैं, फिर दूसरा परिचय, फिर वो मर गए हैं प्रभु तीसरा परिचय, ऐसे ही ये बदलती रहती है। इसलिए कहते हैं ये जो नैमित्तिक धर्म किया है, कहते ये अचिरस्थाई, ये चिरस्थाई नहीं। जब तक शरीर है हमारे साथ सबके सब संबंधी बने हुए, शरीर छूटने पर सारे संबंधी खत्म, जिस जोनी में जाएंगे वही जोनी का परिचय देंगे, ये शरीर का परिचय नहीं देंगे, संपूर्ण रूप में दूसरा परिचय देंगे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं ये मिश्र है या है, ये असंपूर्ण है और ये अनित्य है, अचिरस्थाई, ये चिरस्थाई नहीं। इसलिए ये जो तीसरा जो अध्याय है इस विषय पर यहाँ पर विवेचना हुई। इसलिए कहते हैं एक दिन एक प्रहर रात बीतने का बाद सन्यासी महाराज हरिनाम गान करते करते गोद्रुम के उपवन के एकांत में ऊंची जगह पर बैठकर उत्तर की ओर देखने लगे। कहते जो हैं, कहते श्री परम जो सन्यासी महाराज जो थे, जो पहले मायावादी ब्रह्मवादी में थे और अभी भक्ति में आए हैं, एक दिन ये क्या कर रहे थे, ये हरिनाम कर रहे थे हैं। कहते कब, मतलब एक कहते एक प्रहर रात बीतने पर हैं, एक प्रहर जब बीत गए, पहले लोग भक्त लोग क्या करते थे, जल्दी जल्दी सो जाते थे और जल्दी जल्दी उठते थे, जल्दी जल्दी सोते थे और जल्दी जल्दी उठ जाते थे। अब देखना सवेरे आप उठ करके हरिनाम कर, देखना ये समय के साथ में ये मन का भी संबंध है। सवेरे जब हरिनाम करोगे ना कोई चिंता नहीं रहता है दिमाग में, अब देखना मन एकदम भगवान में लग जाते हैं। मेरे गुरु जी कहते थे सवेरे जब एक माला करोगे ना, सारा दिन का माला करोगे उसको साथ में एक माला को साथ में सारा दिन का भजन भी बराबर नहीं कर सकते। सवेरे हैं कहते सूर्य उदय होने का साथ साथ चारी तरफ में एक 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 जो कि आवरण है हैं, कहते जो रजोगुण है अपने आप सूर्य उदय होने का साथ साथ चारी तरफ में ये अलग एक वातावरण हो जाता है। सूर्य उदय होने से पहले एक अलग वातावरण रहता है, उस समय शांत मन रहता है, भजन में मन लगता है हैं। पहले साधु लोग ऐसे करते थे, भक्त विनोद ठाकुर क्या करते थे, 8 बजे प्रसाद पाकर सो जाते थे और उठ जाते थे कितना बजे उठते थे, 12 बजे उठ जाते थे, 8 बजे सोकर 12 बजे उठ जाते थे, उठ करके
फिर सारा रात हरि नाम करते थे। और पास में हम जो जाते हैं ना नवद्वीप परिक्रमा में, गए कि नवद्वीप परिक्रमा में, वहाँ पर जब भक्ति विनोद ठाकुर का स्वानंद सुखद कुंज वो जो स्थान पर जाते हैं वहीं पर रहते थे, वहीं पर साहिब पेड़ रहता था, हरिनाम करते थे, हरिनाम करते करते हृदय में जो जैव धर्म लिखे हैं वहीं पर बैठ कर लिखे हैं। जब उन्होंने भजन करते करते हृदय में जो दिव्य स्फूर्ति होती थी उसको बैठ कर लिखते थे, हरिनाम करते थे, ग्रंथ लिखते थे हरिनाम, ऐसे सारा रात्रि 12 बजे लेकर के सवेरे तक ये हरिनाम करते थे। इसलिए सवेरे भजन का बड़ा महत्व है, इसलिए सवेरे नहीं सोनी चाहिए। सूर्य उदय बताना, सूर्य उदय हो गया अगर फिर उठते हैं, हैं फिर उठते हैं, कहते हैं चार तरह का स्नान है, ऋषि स्नान, देव स्नान, नर स्नान और राक्षस स्नान, है चार तरह का स्नान है। ब्रह्म मुहूर्त से पहले जैसे आप लोग सवेरे उठ करके नहा लेते हो, ये ऋषियों का स्नान है। देखो ना, स्नान करने का साथ साथ में मन में एक अलग भावना आ जाती है, भजन करने की गले में तिलक लगा लिया, गुरु मंत्र हरिना, एक अलग भावना आती है, हैं। इसलिए कहते ऋषि लोग सवेरे सवेरे उठ करके नहा धो करके सबके सब क्या करते थे, भजन करते थे, इसलिए ऋषि स्नान। उसके बाद में देव स्नान, देवता लोग जब स्नान करते हैं कब, कहते ये सूर्य ठीक उदय होने से पहले नहा लेते, फिर नर स्नान कम से कम सूर्य उदय में ही स्नान कर ले, उसके बाद राक्षस स्नान, सूर्य उदय के बाद जो नहाते ये राक्षस स्नान। इसलिए आप देखना हमारे पहले जितने बुजुर्ग लोग थे, आप देख लो तुम्हारी सास को देख लो, ससुर को देख लो, पहले सवेरे सवेरे उठ जाते, सवेरे सवेरे उठ जाते थे, उठ करके अपना स्नान करके तिलक लगा करके हरिनाम ठाकुर का ये सब करते थे। अभी टीवी भी भी आकर के ना रात 1 बजे तक टीवी देखो, स्मार्टफोन देखो और 2 बजे तक देखो और सोते रहो, सोते रहो, नहीं ये नहीं कहते। इसलिए साधकों को जैसे यहाँ पर है, जैसे मंदिर में, जैसे यहाँ पर तो हम लोग आते हैं और जैसे भजन करते हैं, लेकिन यहाँ जो नहीं आते जाकर घर में तो सोते हुए होंगे, क्या करते हो, सोते हुए होंगे। हाँ, कोई कोई ऐसे जिनकी लगन लगी है वो लोग सवेरे सवेरे उठ जाते हैं, उठ करके घर का काम काज करके नहा धो करके भजन करते हैं। इसलिए जो याद रखनी है, हम भजन करना है, ऐसे नहीं मंदिर में है इसलिए उठ करके भजन साधन कर रहे हैं, पर यहाँ से और कहीं थोड़ा चले जाए ना, भैंस जैसे सोते रहो, कोई भजन भजन का मतलब नहीं। अपना नियम को कभी खत्म तोड़ने नहीं चाहिए, जैसे यहाँ पर उठते थे कहीं भी जाओ टाइम से उठो, उठ करके अपना तिलक लगाओ, हरिनाम करो, आरती करो, स्तुति, जैसे यहाँ पर बैठ करके अभी हम जय ध्वनि देते हैं, जय ध्वनि दो, स्तुति स्तव करो, अपना भजन साधन कीर्तन को, अपना भजन साधन कीर्तन जो करके शुरू करो, 1 घंटा आधा घंटा हरि कथा सुनो, हरि नाम करो, अपना नियम को पूरा पक्की रखनी चाहिए। ऐसे नहीं जब भक्तों के साथ में होंगे तुम करेंगे, दूसरे साथ में सोते रहो, कोई मुझे बोलने वाले नहीं, सोते रहो, नहीं ये वो तो फिर तो भजन किया है, हम तो भक्ति भक्ति में रहेंगे, चलो संघ के प्रभाव से आकर के। तो इसलिए हमारा स्वभाव ऐसे होनी चाहिए, जब भजन के बगैर हम रह ही नहीं सकते। जैसे एक दिन एक बार अगर हम भोजन नहीं करते, करके अगर एक दिन स्नान नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे, कैसे लगेगा तुम, अच्छा लगेगा नहीं। अगर ये स्वभाव में अगर तुम्हारी आ गया, समझना कुछ हुआ है, कुछ हुआ है। अगर ये नहीं आया कहीं और गए, ए सोते रहे, कोई बोलने वाले नहीं, जब तक सो उठ जाओ, खा जाओ, फिर दोबारा सो जाओ, नहीं। अपना नियम को सवेरे सवेरे अपना उठ करके हरिनाम कीर्तन जय ध्वनि इसको अच्छे तरह से दो, अच्छे तरह से करो ये काम, हैं, अच्छे तरह से करो, उसको बाद में फिर अपना जो नियम, अपना जो काम इसको कर दो। लेकिन सवेरे का जो भजन साधन उसको एकदम पक्का होनी चाहिए, तब तक भजन कर रहे, नहीं तो भजन भजन से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा कोई भजन भजन से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। इसलिए अपने नियम साधन भजन को पक्के रखनी चाहिए। इसलिए देखो उन्होंने क्या किया, कहते एक प्रहर बीतने के बाद संन्यास ठाकुर जग गए, जग कर क्या कर रहे हैं, उन्होंने हरिनाम की माला ले लिया और उन्होंने गोद्रमुखी उपवन को उन्होंने एकांत में ऊँची जगह जहाँ पर भजन कर रहे थे वहाँ पर बैठ करके उन्होंने उत्तर दिशा के तरफ में देखने लगे। जब देखने लगे वो क्या देख रहे हैं,
पूर्ण चंद्र उदय हो रहा है, उदय हो चुका था और नवद्वीप मंडल के अपूर्व स्वभाव उन्होंने देखा। उन्होंने देखा क्या नवद्वीप धाम का जो असली जो स्वरूप नवद्वीप धाम को उन्होंने हरिनाम करते करते हृदय से जब सारे अनर्थ नष्ट हो जाता है, रुचि निष्ठा आसक्ति सब स्थिति में पहुँचता है, पर हृदय में क्या होता है भगवान का जो दिव्य लीला है ये हृदय में स्फूर्ति होती है। हृदय में ये लीला हृदय में स्फूर्ति होती है, दिव्य लीला ठाकुर जी की अपनी आप कैसे हरिनाम करते करते। इसका सब जो मूल है हरिनाम, इसलिए चेतो दर्पण महार्जनम भव महाधवाग्नि निर्भावनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाबुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णा मृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजय श्री कृष्ण। ये जितने जो कुछ होने वाले जैसे क्लास वन से टू थ्री फोर किसको दो हरि नाम, ये सारे साधन में कल सुन रहे थे ना जितने साधन में सर्वश्रेष्ठ साधन ही हरिनाम है। यही हरिनाम करते करते जो जितने अच्छे तरह से हरिनाम करेगा बैठी करके, इसलिए नियम है कुछ समय निकालो, निकाल कर क्या करो एकाग्र में बैठो, बैठ करके हृदय से अगर कुछ अनुभूति आप करना चाहते हैं, वास्तव में कुछ अपना अनुभूति करना चाहते हैं क्या करो एकांत में बैठो, बैठ करके माला लेकर के हरिनाम करो, हरिनाम हृदय से रो रो करके पुकार पुकार करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए गौर विश्वदास बाबा जी महाराज क्या करते थे पायखाना का अंदर में दरवाजा बंद किया, हम तो कोई आएगा नहीं पायखाना के अंदर में, हाँ पहले जो पायखाना होता था वो अभी तो जो पायखाना बंद हो गया जो लोग नहीं करते हैं बंद, उसके बाद छोटा सा घर में बैठ जाते थे दरवाजा बंद करके, यहाँ पर कोई आएगा नहीं हमें डिस्टर्ब कोई करेगा बात, उसके अंदर में बैठ करके इतने कहते जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके हरिनाम करते थे जैसे गला जैसे फट करके खून निकल जाएगा, ऐसे करते थे जैसे गला फट करके खून निकल जाएगा, ऐसे चित्कार करते करते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए गला फाट फाट कर हरिनाम करते थे, कहते उनका प्रभाव से हरिनाम के प्रभाव से कहते वो तो भगवान की परिकर है और शुद्ध, इसलिए कहते हैं उनका हरिनाम से जो जो पायखाना का जो ईट था ना कहते तो कान देख रहे सुना तो वो ईट से भी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम, वो ईट से भी हरिनाम का ध्वनि आता, मतलब उनका भजन इतने इनका भजन इतने परिपक्व भजन था, इतने परिपक्व भजन था। इसलिए उन्होंने जब उन्होंने देखा उन्होंने क्या देखा दिव्य जो नवद्वीप का जो वास्तविक का जो स्वरूप है हैं तो वास्तविक स्वरूप को उन्होंने दर्शन किया है। थोड़ी दूर पर उन्होंने मायापुर नगर नयन गोचर होने लग गया, फिर उन्होंने नवद्वीप देख कर मायापुर महापुर जहाँ पर जन्म ग्रहण किया है, फिर धीरे धीरे मायापुर को दर्शन करने लगे, बोले कैसे हरिनाम करते करते जो अपराकृत मायापुर हुए हैं, इसलिए बोले अद्यापि वो सहलीला करे गौर राय कोनो भाग्यवान देख गए, बोले महाप्रभु आज से 5.5 साल पहले आए थे, कहते अद्यापि वो अभी भी कृष्णा महाप्रभु अभी भी लीला कर रहे हैं लेकिन कोनो भाग्यवान देख रहा है, वो लीला को कौन दर्शन कर सकता है, कोई विशेष विशेष सौभाग्यवान व्यक्ति को ये लीला दर्शन होता है। जब वास्तव रूप में हम हरिनाम करें हृदय कभी शुद्ध हो जाए तो दिव्य लीला को दर्शन करते, उन्होंने किया दर्शन किया अपराकृत मायापुर जहाँ महाप्रभु नित्य लीला करते हैं। नवद्वीप गए हो? गए हो, लेकिन अभी तो हम जाओ हमें पेड़ पौधा ही दिखता है, रास्ता पेड़ पौधा ही दिखता है, लेकिन भले हमें असली मायापुर क्यों नहीं दिखता है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं हमारी आँखों के ऊपर में एक माया की पर्दा डाला हुआ है। वृंदावन गए ना बेस साधारण रूप में क्या देखो नाली बह रहा है पैखाना है सुअरिया घूम रही है बंदर चश्मा उतार कर ले जाए और वहाँ पर बंदर कोई फल लेकर के जाओ छीन लेते हैं, साधारण रूप में देखोगे तो हमको यही दिखता है यही दिखता है। एक बार कुछ कलकत्ता से लोग आए थे, मैंने उनको दर्शन कराने के लिए ले गए,
वो तो बड़े भाव को लेकर के आए थे। हे वृंदावन में सुनते हैं ना भागवत में, यमुना बह रही हैं, कृष्ण गोपियों को लेकर लीला करते हैं, हैं वहाँ पर सब वृक्ष कल्प वृक्ष है, भूमि चिंतामणि है, और वहाँ पर सब कृष्ण के गोप गोपियाँ रहती हैं, और कृष्ण विरह में गोपियाँ सब रो रही हैं। हैं जो भागवत पढ़ते हैं वृंदावन धाम, जब निकुंज लीला कैसे बना हुआ, सुंदर सुंदर कुंज बनी हुई, ठाकुर बड़ी मीठी मीठी लीला सुनकर के लोग बड़े भाव के साथ में आते हैं। लेकिन वो आए वृंदावन, वृंदावन में आए तो अभी तो थोड़ा रोड खोड़ हो गया, उस समय तो सूर्या चारी तरफ में घूम रही थी, बंदर चारी तरफ में हैं, पिछले रास्ता में सब पायखाना करके रखे। अब साधारण को गली गली में देखो तो वो सब चीज़ मिलेगी आपको, हैं गली गलियों में देखो सब चीज़ मिलेगी। और वो उनको देख कर खराब हो गया, उनको खराब हो गया, वो तो सुन करके बहुत भाव लेकर के आए थे, लेकिन वो सब चीज़ को देख रहे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ना कि देखो धाम को आँखों से मत देखो, कानों से देखो, आँखों से नहीं कानों के माध्यम में देखो। मैं कथा सुना, फिर मैं उनको दर्शन कराने के लिए ले गया, सेवा कुंज में बैठाया, फिर उनको वृंदावन धाम की कथा सुनाया। यहाँ का जो वृक्ष है कि साधारण दिखाई पड़ता झाड़ी जैसे छोटी मोटी वृक्ष, कहते वृक्ष साधारण नहीं, कजत किंचित तीर्ण गुलम किकट मुखई गोष्ठे समस्त सर्वानंदमय मुकुंद लीला दैतानुपर्ण। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि जो वृंदावन में जो कीड़े मकोड़े जो घास भूसा है, जत कीट गुलमलता तथा साधारण नहीं, ये सब के सब कृष्ण लीला को मदद करने वाले, ठाकुर को लीला को मदद करने वाले, ये साधारण नहीं, सर्वानंदमय ये आनंदमय सब के सब है। धीरे कहते ना वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई, डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे हो हैं। ये वृंदावन अपराधित दिव्य है। इसलिए गुरुदेव एक छोटी कथा सुनाते थे, बोले एक समय ये राधा कृष्ण निकुंज में लीला कर रहे थे, अभी किसी कारणवशत राधा रानी की हो गया मान, जब मान हो गया तो मान होते ही राधा रानी कुंजो छोड़ कर जा रहे, बोले मैं तो जा रहे, कृष्ण बहुत मना है, बोले मत जाया करो, रुक जाओ मत जाओ, बोले नहीं हाँ मेरे को ऐसे बोल दिया ऐसे कर दिया है। इसलिए मान भी तरह तरह का होता है, एक अहेतु की और एक सहेतु की। अहेतु की मतलब होता है बिना कारण से राधा रानी मान कर लेते हैं, सहेतु की मतलब होता है किसी कारणों को लेकर के जो मान कहते हैं उसको सहेतु कहते हैं। अभी राधा रानी की मान जो हो गई, अभी राधा रानी तो छोड़ कर जा रही है, कृष्ण बहुत बहुत मनाए, जब मानी नहीं राधा रानी चली गई, कृष्ण बड़े उदास हो गए। जब उदास हो गए, जब राधा रानी कुंज से थोड़ी दूर गई ना, एक काला सर्प था, छठ ऐसे अपना फण को उठा कर फण को ऐसा उठा दिया, हे राधा रानी काला सर्प को देख करके ना वो जो मान फान थी सब नहीं चली गई, और राधा रानी डर गई, और डर करके ना वहाँ से भागते हुए आई, और जो कृष्ण कुंज में बैठे हुए उनको गोद में चल मैंने गोद में आकर गिर पड़ी। तब गुरुदेव कहते देखो जो काम को कृष्ण नहीं कर पाए एक सांप ने वो काम कर दिया। तब गुरुदेव कहते थे कि सांप कोई साधारण सांप हो सकता है, नहीं ये कोई साधारण सांप नहीं, कहते सर्वानंदमय मुकुंद विलाप परम, ये सर्व आनंदमय और ये सब के सब कृष्ण की लीला को मदद करने वाले, यहाँ के सब गुलम लता यहाँ के पशु पक्षी कृष्ण लीला को ये मदद करने वाले, इसको कोई साधारण मत समझो है। लेकिन मैंने उनको बहुत सारी कथा सुनाया वृंदावन में, उसको सुन करके उनका मन बड़ा तसल्ली है, बोले बाबा अगर आप हमारे साथ में नहीं आते ना, सब कथा नहीं सुनाते, हमें श्रृंगार भट्ट में ले गया, सेवा कुंज में ले गया, जगह जगह पर बैठा करके वहाँ की सब कथा सुनाया, तो वो प्रसन्न हो गए, बोले हमको हृदय में तसल्ली मिला। अगर हम अकेले अकेले आते हैं ना, यहाँ पर तो घृणा हो जाता, क्यों चार तरफ सूर्य घूम रहे थे उस समय, सब टाटी पे सब किए हुए, बदबू आ रहा था, एक एक अब देखना गली गलियों में सब है, पर इसको तो देख कर मन खराब हो गया था। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं आँखों से धाम को मत देखा करो, कैसे देखो कानों से। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं गौर अमार जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरवामी प्रणय भक्त संगे। महाप्रभु ने जहाँ जहाँ पर लीला की बोले अकेले नहीं दर्शन करनी चाहिए, कहते जो प्रेमी की भक्तों को साथ में जाओ, वहाँ की कथा सुनो, वहाँ की महिमा सुनो, हैं वहाँ की कथा की
महिमा को सुना। इसलिए चूंकि हमारे आंखों के ऊपर माया ने एक पर्दा डाल कर रखा, इसलिए ये माया की अंदर में हम रह रहे हैं। इसलिए हमें जो धाम का जो दिव्य स्वरूप हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन दिखेगा कब, जब आंखों के सामने से माया ये पर्दा को हटा लेगी, फिर तो दिव्य धाम को दर्शन करेंगे। कहते एक बूढ़ी माता जी थी, एक साधारण व्यक्ति देख रहे कीच खा रहे हैं, लेकिन बोले माता जी ये कीचड़ क्यों खा रहे हैं, बोले कीचड़ नाम से खीर खा रहे हैं। एक व्यक्ति के लिए कीचड़ दिखता है और दूसरे के लिए खीर दिख रही है, दूसरे के लिए वो खीर दिख रहे हैं और एक के लिए क्या दिख रहे हैं, तो कीचड़ दिख रहे हैं। इसलिए सन्यासी ठाकुर जब उन्हें हरिनाम कर रहे थे, हरिनाम करते 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 उनको दिव्य महाप्रभु का धाम दर्शन हुआ, तब क्या धाम उन्होंने दर्शन किया। कहते सन्यासी महाराज ने कहने लगे, आहा यह तो मैं एक विचित्र आनंदमय धाम देख रहा हूँ, दिव्य असली धाम के दर्शन हुए। बोले क्या, मैंने दिव्य धाम को दर्शन कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी रत्नमयी अटालिकाएं करे दिव्य जो भगवान जो दिव्य जो धाम जो मायापुर का क्या स्थिति। कहते बड़े सुंदर अटालिका, जैसे आप लोग आप भागवत पढ़ो, जब कृष्ण बलराम जिस समय उन्होंने मथुरापुरी में प्रवेश किया, जब उन्होंने मथुरापुरी में प्रवेश किया, अभी तक मथुरापुरी बड़ी दुखी थी। मथुरा कौन है, ये कृष्ण की प्रिया है, लेकिन वहाँ पर कंस के अत्याचार हो रहे थे, हैं कंस के अत्याचार से बड़े दुखी थी। लेकिन जैसे पति घर में आने पर, जैसे पत्नी क्या करती, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके श्रृंगार करके जैसे सुंदर दुल्हनी बन करके पति को सामने जाती है, जिसको देख कर पति प्रसन्न हो जाते हैं, पति खुश हो जाती है। अभी श्याम सुंदर जब मथुरापुरी में आई, मथुरा तो भगवान की शक्ति है, भगवान की प्रिया, अभी तक दुखी थी, लेकिन जब अपना प्रियतम को देखे, श्री श्याम सुंदर आ गए, इतने में मथुरापुरी का क्या दिव्य वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी। फिर चलने का जरूरत नहीं, प्यार रखते ही चल पड़ोगे। रास्ता रास्ता में मणि से अपने आप लाइट स्फुरित हो रही थी, सुंदर सुंदर तोरण, सुंदर सुंदर अटालिकाएं वहाँ पर, दिव्य धाम। कहते इन्होंने भी अपराकृत मायापुर को उन्होंने इसी रूप में दर्शन करते, तो बड़ी बड़ी रत्नमयी हमारे घर मकान कैसे बने, ईट ईट से बन रहा है और ईट पत्थर इससे बना हुआ है, लेकिन वहाँ के अटालिका के कहते रत्न हीरे जवाहरातों से बने हुए हैं, रत्नमयी अटालिकाएं, मंदिर और तोरण संभव, सुंदर सुंदर जगह जगह पर सुंदर सुंदर मंदिर है, बड़े सुंदर सुंदर वहाँ तोरण तोरण समझती कि नहीं, बड़े सुंदर सुंदर क्या तोरण समझती कि नहीं, सुंदर सुंदर गेट बना हुआ है, हैं तोरण समूह अपनी किरणा बली से जाह्नवी को लोग उज्ज्वल कर रहे थे। तो वहाँ श्री जाह्नवी मतलब वहाँ पर दीप, वहाँ पर गंगा, जैसे यहाँ पर नवद्वीप में गंगा गई नहीं गंगा, कहते वहाँ पर ऐसे ही दिव्य महाप्रभु धाम में भी दिव्य गंगा है। वहाँ की यहाँ पर तो साधारण चक में ऐसे गंगा दर्शन कर रहे हैं, लेकिन दिव्य दृष्टि से वो गंगा के अपूर्व और सूरज उदय हो रहा है, उसका जो किरण मिट्टी 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 जैसे रक्त में आवा होता है ना, सूरज जो उदय होता है देखना, उसका जो किरण है लालिमा थोड़ी 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 लालिमा होता है, चारों तरफ में विकसित हो रहा है, उज्ज्वल हो रहा है। अनेक स्थान पर हरिनाम संकीर्तन का शब्द तुमूल होकर की गंगल गंगन मंडल को जैसे भेद कर रहा है। देखो जैसे यहाँ पर कह रहे सब लोग हरिनाम कीर्तन कर रहे थे, जैसे हम लोग संध्या के समय में मृदंग बजती है ना, मृदंग बजती हैं और करतला बजाते हैं, मृदंग बजाते हैं, इसलिए कहते ब्रह्मांड भेदिया ध्वनि पुरीला आकाश, ये मृदंग का आवाज को देखो, ये मृदंग का आवाज ऐसे है ना, ये बलदेव प्रभु ये साधारण नहीं, इसका जो आवाज है तो ब्रह्मांड भेदिया, जब ये मृदंग बजती है ब्रह्मांड को भेद कर जाती है, पुरीला आकाश कहते गोलक वृंदावन को पहुंच जाती है इसका आवाज। इसलिए वहाँ पर देख रहे सारे भक्त लोग कैसे, जैसे हम लोग यहाँ कीर्तन करते फिर नाचते गाते, वहाँ पर भक्त लोग सब हाथ उठा करके निताई गौरांग जय निताई गौरांग निताई गौरांग जय निताई गौर निताई गौरांग जय निताई गौरांग निताई गौरांग जय निताई गौरांग जय सच्चिदानंद जय गौरहरि जय सच्चिदानंद जय गौरहरि जय सच्चिदानंद जय गौरहरि जय
जय सचिन मिले, ये आवाज गूंज रहा था चारी तरफ। देखो कीर्तन कौन कौन कर रहे थे, बोले श्री नारद के समान कितने ही सौकड़ भक्त हैं। हम तो एक नारद जाते हैं, बीड़ा बजाते हैं, वहाँ पर देखे एक नारद नहीं हजार नारद जैसे भक्त लोग कीर्तन करते करते, जैसे यहाँ रथ यात्रा होती है ना, देखा कि नहीं रथ यात्रा देखा, बड़ो तो रथ यात्रा भक्त लोग जैसे नाच रहे हैं गा रहे हैं, एक क्या आनंद है। बड़ोत का लोग देख रहे बोले हैं, कुछ जैनी समाज के लोग थे वो आ कर कहते हैं उनका उनका जो यात्रा भी निकलती है आठ दस व्यक्ति घूम घाम करके आ जाते हैं, लेकिन हमारी जो रथ यात्रा निकलती थी हाँ सारे भक्त लोग आकर नाच रहे थे गा रहे थे कीर्तन कर रहे थे, आनंद आ रहे थे कि नहीं। वो लोग कहते हैं आप लोग इतने आनंद इतने सुंदर कीर्तन कैसे करते हो, बड़ा आनंद आता है आपको रथ यात्रा दर्शन करके, इसलिए हम लोगों को सिखा दो ऐसे हम भी ऐसे करेंगे, क्योंकि और किसी सारा दुनिया में और इस कहीं इतना लोगों को आप विशेष करके आप देखना, जैसे कि जैसे किसका झांकी हो पुरुष लोग जाते हैं दो चार घूम करके आते हैं, लेकिन हमारे साथ तो सब माताएँ रहती हैं, लड़कियाँ भी खूब कीर्तन कर रहे थे नाच रहे थे खूब गा रहे थे हैं, ये और कहीं नहीं है महाप्रभु धारा में ही है, और किसी धारा में तो कोई सुन नहीं है नाचना गाना प्रभु का कीर्तन में हैं, ये और किसी धारा में नहीं है, ये केवल महाप्रभु धारा में ही है। इसलिए देखो यहाँ पर उन्होंने अपराकृत नवद्वीप धाम की वर्णना कर रहे हैं, वहाँ पर कैसे नारदादि भक्त लोग कैसे, बोले नारदादि हजार भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, बोले नारद नहीं कहते कहते श्वेत शरीरधारी देवदेव महादेव हाथ में डंबर लेकर के विश्वम्भर दया करो कह करके तांडव नृत्य कर रहे थे, और पछाड़ खा करके महाप्रभु प्रेम में पछाड़ खा करके शंकर जी गिर रहे थे। कहते जैसे अद्वैताचार्य वही से सदाशिव हैं, अद्वैताचार्य सदाशिव, इसलिए कैसे शंकर जी नारद जी समस्त देवता वृंद भक्त वृंद एक करताल कीर्तन को लेकर के सब के सब बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, जोर से बोलो बोले श्री नित्यानंद प्रभु की। तो उन्होंने ये सब दिव्य रूप को उन्होंने दर्शन कर रहे थे, दर्शन करते करते क्या कह रहे थे हैं, कहते शंकर जी कहते हा विश्वम्भर दया करो हमारे ऊपर में कह करके तांडव नृत्य करते करते पछाड़ खा रहे थे, और दूसरी ओर चतुर्मुख ब्रह्मा केवल शंकर नारद नहीं मार पिता महा ब्रह्मा, महाप्रभु लीला में ब्रह्मा किस रूप में आए बोलो, अरे ब्रह्मा किस रूप में महाप्रभु लीला आए हरिदास ठाकुर, इसलिए यहाँ पर श्री कहते चतुर्मुख ब्रह्मा क्या कर रहे हैं, वेदवादी ऋषियों को सभा में बैठ करके हैं ऋषि मुनियों को साथ में बैठ करके बोले महान प्रभु भई पुरुष सत्व सैक प्रवर्तक सुनीर मलामिमं प्राप्ति मिशान ज्योतिरभयम, कहिए स्वतः सर्वपरिषद का ये मंत्र है, कहिए मंत्र को द्वारा क्या कर रहे थे महाप्रभु को स्तुति कर रहे थे, बोले इसका मतलब क्या है, कल इसका मतलब कहते यह पुरुष निश्चय ही महान प्रभु अर्थात महाप्रभु, हाँ स्वतः स्वरूप परिषद में भी महाप्रभु का नाम उल्लेख आया है, क्योंकि समस्त शास्त्र वेदों में पुराण में और इतिहास में हैं, इसलिए भागवत में तो जब वहाँ पर आता है ना श्री नेमी नव जोगेंद्र संवाद, जब नेमी महाराज नव जोगेंद्र को प्रश्न करते कलिजुग का अवतार कौन है और उनको कैसे भजन करनी चाहिए, तो वहाँ पर श्री नव जोगेंद्र कहते चार लोक में महाप्रभु की उन्होंने वंदना करते हैं, कृष्ण वर्णम सीता अकृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही स्मृत, इसलिए कलियुग का जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे किसको करेंगे, श्री सचिनंदन गौर हरि को हरिनाम संकीर्तन रूपी यज्ञ को द्वारा उनको भजन करेंगे हैं, वहाँ पर सिर्फ चार श्लोक में महाप्रभु की बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने स्तुति की है हैं, बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति की है, इसलिए यहाँ पर सुतासर उपनिषद भी बताए कि यह पुरुष निश्चय रूप में ये सचिनंदन गौर हरि वही अंतकरण अर्थात बुद्धि वृत्ति के प्रवर्तक, इसलिए बुद्धि के देने वाले कौन सचिनंदन गौर हरि, उनकी कृपा से सुनिर्मल शांति प्राप्त होता है, उनकी कृपा से जीव को परम शांति परम सुख प्राप्त होता है, वे ज्योति स्वरूप अर्थात कनक कांति युक्त एवं अव्यक्त हास्य बुद्धि हास वृद्धि शून्य
प्रेममय हैं, इसलिए वर्णना करते हैं कितने सुंदर ये अव्यक्त प्रेम स्वरूप कैसे ज्योति स्वरूप और उनका दिव्य कांति से चतुर्दिग कैसे उद्भासित हो रहा है। गद ये वेद मंत्र पाठ करके इसकी निर्मल व्याख्या कर रहे थे। कौन व्याख्या कर रहे थे? ब्रह्मा जी। कौन? ब्रह्मा जी। हाँ, ब्रह्मा जी समस्त वेदवाद ऋषियों के सामने ये श्लोक को लेकर के व्याख्या कर रहे थे कैसे स्वतः स्वरूप परिषद वेद में कैसे महाप्रभु का नाम कैसे वेद में भी विद्यमान है। ब्रह्मा जी व्याख्या कर रहे थे, कहीं इंद्रादि देवगण जय प्रभु गौरचंद्र जय नित्यानंद कह करके उछल कूद रहे थे। कौन? 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 इंद्र। इंद्रादि देवता लोग क्या कर रहे थे? हाँ, हा निताई हा गौर बोल करके ये उछल कूद कर, जैसे हम लोग यहाँ पर उछल कूद करते हैं ना, नाचते हैं गाते हैं, हैं? देखो यहाँ पर चैतन्य भागवत में एक बड़ा सुंदर प्यारा है, उसमें कहते हैं कहते बड़ा बड़ा वृद्धमति सब हैल शिशुमति। इसका मतलब है ये भक्ति ऐसे की चीज है, जब भक्ति में आ जाओ ना प्रभु का प्रेम में, कहते भक्ति जब आ जाती है ना, जो बड़े बड़े बूढ़े लोग भी हैं, बूढ़े साधारण बूढ़े लोग को देव क्या करते हैं, कहीं चुपचाप बैठे हुए होंगे, उदास होकर कहीं बैठे हुए थे, लेकिन हमारे साथ जो कीर्तन होता है देखना, हमारे जो प्रभु जी ये प्रभु जी सब उछल उछल कर नाचते हैं। हाँ, सिंगल प्रभु जी को देखो, क्या नाम आपकी? माधव दास जी देखो, और हमारे श्री शुभम का पिताजी को देखो, जब कीर्तन होता है ना ये लोग जी सब नाचते हैं। हाँ, लेकिन साधारण रूप में देखना जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं ना, वो बड़े गंभीर रहते हैं और एकदम एकदम गुमसुम होकर रहते हैं, लेकिन जब कीर्तन होता है ना, यहाँ पर चैतन्य भागवत में कहते हैं बड़े बड़े वृद्धमति सब हैल शिशुमति, बड़े बड़े बूढ़े लोग भी भक्ति में आने पर है ना, उनको नहीं लगता हम इतने बूढ़े हो गए, उनको तो हम तो बच्चे ही है, हम बच्चे हैं। भक्ति, भक्ति ऐसे की चीज है, ये सब को नचा देती है भक्ति। इसलिए देखो इंद्र कहाँ, ब्रह्मा कहाँ, शंकर जगत का जो सृष्टि करता, जब जगत का पालन करता, जगत का संहार करता, इंद्र आदि देवता क्या कर रहे थे? बस उछल उछल करके नाच रहे थे। सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री नित्यानंद प्रभु की, ये लोग भी कर रहे थे। कहते पखी वृंद, कहते जो नवद्वीप धाम की जो पखी है, हैं, कहते ना मर्म ना जाने कोई जो पखी है, क्या कर रहे थे? डाल पर बैठ करके निताई गौरंग जय, निताई गौरंग, निताई गौरंग जय, निताई गौरंग, निताई गौरंग जय, निताई। वो भी नित्यानंद गौरव चंद्र का नाम लेते थे, इसलिए गुरुदेव कहते थे जैसे वृंदावन में आओ तो यहाँ के कोयल, वहाँ के पपिया, यहाँ के मयूर किसका नाम लेते हैं? कहते जो स्त्री, जो जैसे पुरुष जो मयूर कहते के, लेकिन जो स्त्री मयूर कहते बोले का, तो कहते भैया के का मतलब क्या? अब देखना के का कहते ना, इसलिए गुरुदेव कहते के मतलब क्या? मतलब कृष्ण रूपी जो मत वाला हाथी है उसको कंट्रोल कर सकता तो कौन कर सकता है? कृष्ण कोई दुनिया में कंट्रोल कर पाए? दुनिया को सारा दुनिया को वो कंट्रोल करने वाले, लेकिन ऐसे कृष्ण को कंट्रोल को कौन करती है? स्त्री जो मयूर बोले का, बोले के बाद राधा रानी, उनको और कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, इन्हें बस वाला हाथी को और राधा ही कंट्रोल कर सकती है और कोई नहीं कंट्रोल कर सकती है। इसलिए कहते वहाँ की कहते गुरुदेव कहते थे फिर वृंदावन में तो पशु पक्षी लता पता सबके सब राधा रानी का नाम लेते हैं, लेकिन आप नवद्वीप का जो पशु पक्षी कीट पतंग किसका नाम लेते हैं? बोले श्री सचिनंदन गौर हरि नित्यानंद गुरु का नाम, वहाँ वृक्ष लता पता से नित्यानंद और श्री महाप्रभु का नाम लेते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं चतुर्दिगे कहते जो भ्रमर है वो क्या कर रहे थे? वो भी गौर नाम रस पान में मत्त होकर के पुष्प उद्यान में चतुर्दिग गुंजर कर रहे थे। महाप्रभु का जो दिव्य धाम है सबके सब वहाँ मयूर भ्रमर पशुपति सबके सब भगवान के गुणगान करते हैं, वो भी गौर गौर निताई निताई वो भी करते हैं वहाँ के लोग है। जो प्रकृति देवी जो प्रकृति जो है जो हम कहते हैं प्रकृति देवी वो क्या कर रही थी? प्रकृति देवी गौर रस से उन्मत्त होकर के सर्वत्र अपनी छठा बिखर रही थी। प्रकृति देवी भी
क्या कर रहे थे, वो भी गौर रस में उन्मत्त होकर के चारी तरफ में अपना छटा को बिखर रहे थे। इसलिए ये रूप को किसने, सन्यासी, सन्यास रहने ये रूप को देख करके ये कह रहे हैं, दिनों में जब मैं मायापुर का दर्शन करता हूँ तब तो ये कुछ भी नहीं देख पाता हूँ। वो कह रहे दिन में भी तो मायापुर देखता हूँ लेकिन ये तो हमें कुछ नहीं दिखता है, लेकिन अभी देखो आज ये क्या देख रहा हूँ, आज हम क्या देख रहा हूँ, क्यों? उन्हें भजन करते 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 हृदय जब पवित्र हो गया, दिव्य हृदय में कहते प्रेमा जन छोरित भक्ति बिलोचनिना संत सदैव हृदय सुलभती। जब हम आँखों में प्रेम रूपी अंजन लगाएंगे, हृदय जब शुद्ध हो जाएगा, इसे शुद्ध हृदय में ही प्रभु की दिव्य लीला स्फुरित होती है। इसलिए हम तो कुछ नहीं देखते हैं, अभी क्या मैं देख रहा हूँ, आज यह क्या देख रहा हूँ। फिर श्री गुरुदेव को स्मरण करके कहने लगे प्रभु, फिर गुरु जी को स्मरण कर रहे हैं, गुरु जी को स्मरण करते कहते हे प्रभु, आज मैंने समझ लिया कि अपने कृपा करके मुझे अप्राकृत मायापुर का दर्शन करवाए, हमें प्रभु का जो दिव्य अप्राकृत जो दिव्य महापुर का धाम, आप मेरे को कृपा करके दर्शन कराए, आज गुरु जी के आशीर्वाद से हमें ये दर्शन प्राप्त हुआ है, हैं। इसलिए कहते आज आज मैं भी गौरचंद्र का निज जन कह करके अपना परिचय दूंगा। आज से मैं क्या परिचय दे सकता हूँ, महाप्रभु का मैं भी एक भक्त, छोटा मोटा संतों का संतों का संतों का संतों का चरण का चरण का हम धूल है, मैं भी अपना परिचय दे सकता हूँ। मैं देखता हूँ कि इसी अपराकृत नवद्वीप में सभी तुलसी माला तिलक धारण लगाए और नाम नामांकित तो उत्तरीय धारण किए हुए, मैं भी ऐसे करूँगा। उन्होंने देख लिया, क्या देख लिया, महाप्रभु के धाम में सब तिलक लगाए, हम जैसे तिलक लगाए ना, सबके सब अपराकृत सब वहाँ तिलक, सबकी गला में तुलसी कंठी। यहाँ पर तो थोड़ी बहुत व्यक्ति है जो गले में तुलसी कंठी कोई लगाए, तिलक कोई धारण की है, कोई कोई व्यक्ति को देखने को मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने सबको गला में तुलसी कंठी तिलक। और क्या किया, जो चादर जो पहने हुए थे, जो चादर ओढ़ते हो, वो चादर में किसका नाम लिखा हुआ था, निताई गौर नाम लिखा हुआ था, मतलब कृष्ण महाप्रभु का नाम को द्वारा ही अपना शरीर को उन्हें ढक कर रखे थे, हैं, शरीर को उन्हें ढक कर रखे थे। जब उन्होंने इस सब चीज़ को देखा, बोले मुझे भी ये करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, गले में तुलसी कंठी और तिलक और शरीर में प्रभु का नाम लिखनी चाहिए, और हम शरीर में और जो चादर ओढ़नी चाहिए जिसमें ठाकुर का नाम लिखा हुआ, कहते हमें भी ऐसे करनी चाहिए। ऐसा कहते कहते सन्यासी महाराज की एक एक प्रकार की अचेतन अवस्था हो गई। थोड़ी देर में ही उन्होंने फिर बाह्य ज्ञान हुआ, ज्ञान तो हुआ किंतु वह अपूर्व चिन्मय दृश्य फिर नयन गोचर नहीं हुआ। वो तो संपूर्ण जब लीला रस में डूब गए थे तब ये लीला दर्शन कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने पूरा उसमें इस शरीर का खुदबुद नहीं था, है इस शरीर का उनको कोई ज्ञान नहीं था। शिक्षा क्या देते हैं, जो भजन है अप्राकृत दिव्य कब अनुभूति हो गया, जब भजन करते करते ये शरीर की हुदबुद तुमको भूलना पड़ेगी, ये शरीर से ऊपर तुमको उठना पड़ेगा। जो सुखदेव गोस्वामी जब चल रहे थे, कौन क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, कोई उनकी कोई ये नहीं, अरे हम नंगे धड़ेंगे कौन क्या बोलेगा, बच्चे धूल झोंक रहे थे, लेकिन वो तो मस्ती में भगवान के प्रेम उन्मत्त होकर चल रहे थे। इसलिए उन्होंने देखा जे क्या देखा इन्होंने, धीरे 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 उनको बाह्य स्फूर्ति आई, मतलब जो संपूर्ण अंतर दशा में। इसलिए कहते साधक का तीन अवस्था है, कितना अवस्था है, क्या क्या है बोलो। इसलिए इनकी तीन अवस्था, क्या तीन अवस्था है बोल सकते हो, अरे बोलो बड़ा पंडित जी, क्या साधक का तीन अवस्था है, वो इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो, बोलो क्या जो साधक जो भजन साधन करते हैं उसका तीन अवस्था है। कहते एक तो बाह्य दशा, कहते जो बाह्य दशा में रहते हैं, जैसे अभी जैसे हम बाहर का अवस्था में संसार दुनिया ये सब, ये बाह्य अवस्था। कहते ये बाह्य अवस्था में क्या करते हैं, कि जो सच्चे साधक हैं, जो सचमुच से साधन भजन करते हैं, उस समय में हर समय हरिनाम करते हैं, हरिनाम के बगैर और कुछ करते ही नहीं। बोलना तीन तरह का वैष्णव, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। इसलिए कहते मध्यम वैष्णव कौन है, जो हर समय हरिनाम करते रहे, हर समय
हरि नाम कभी भूले नहीं, इसलिए कहते बाह्य दशा में हरि नाम करते हैं। और दूसरा जो अर्धवाह्य दशा, कहते अर्धवाह्य दशा में क्या होता है, बोले प्रलाप वर्णना करते हैं। कहते उसी समय में ये जगत का थोड़ी थोड़ी ज्ञान रहता है, लेकिन और जो प्रभु का जो लीला, लीला का जो चिंतन है, प्रभु की लीला में आधा प्रवेश और ये आधा ये जगत का प्रवेश व जगत का उनका ज्ञान है। उसी समय में हैं प्रभु का लीलाओं का दर्शन करते हुए, उसमें एकदम लीला दर्शन करते हैं, उस समय प्रलाप वर्णना करते हैं। प्रलाप वर्णना मतलब है वो प्रभु का लीला को दर्शन कर रहे हैं, इधर कुछ बाह्य दशा है, उस समय प्रभु का लीला को दर्शन करते हुए कुछ कुछ बोलते रहते प्रभु जी। और एक अंतरदशा, कहते अंतरदशा में क्या होता है, बोले अंतरदशा में संपूर्ण रूप में शरीर का उद्भूत संपूर्ण भूल करके प्रभु लीला में प्रवेश कर जाते हैं, प्रभु लीला में ये प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इनकी धीरे 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 वो एकदम अंतर दशा में थे, अंतर दशा में पूरा संसार का हुदहुद भूल करके प्रभु को दिव्य लीलाओं को दर्शन कर रहे थे। लेकिन जब धीरे 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 उनको बाह्य दशा आई, फिर कह रहे हैं कि मैंने वो जो दिव्य लीला दर्शन कर रहा था उसको लीला कहाँ चला गया, उसको लीला कहाँ अंतर ध्यान होगी, हैं कहाँ अंतर ध्यान होगी। इसलिए हाँ इसलिए कहते हैं नयन गोचर नहीं हो सकता है। तदंतर सन्यासी महाराज ने रोते रोते कहे मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली, क्योंकि श्री गुरु जी की कृपा लाभ करके क्षण भर नवद्वीप धाम का दर्शन तो कर लिया। इसलिए कहते आज मेरे जीवन धन्य हो गया है, गुरु जी के आशीर्वाद से क्या हुआ, मैं गुरु जी के आशीर्वाद से दिव्य प्रभु की जो लीला है थोड़ी समय के लिए तो प्रभु का लीला दर्शन कर पाए, अपना जीवन को धन्य धन्य समझ रहे हैं। लेकिन किसकी कृपा से दर्शन कुछ कर पाए, बोले श्री गुरु जी की कृपा से। ऐसे नहीं हम कोई काम किया किसने किया, मैंने किया, अरे मैं नहीं करता थोड़ी काम होता, बोले नहीं वैष्णव जगत में मैं और मेरा शब्द नहीं यहाँ पर है, जो कुछ हो गुरु की आशीर्वाद से वैष्णव का आशीर्वाद से वो हो रहा है। कभी भी अपना बड़ाई नहीं करनी चाहिए, जो व्यक्ति अपना बड़ाई सुनते हैं अपना बड़ाई करते हैं कहते हैं मृत्यु के बराबर है, इसको कहते हैं ये मृत्यु के बराबर। इसलिए अपना बड़ाई करनी नहीं चाहिए और अपना बड़ाई नहीं सुननी चाहिए। है कोई कोई लोग होते ना, अरे मैं नहीं होता तो काम तो कौन करता, अरे मेरे वजह से हुआ ना, मैं नहीं होता तो तुम थोड़ी कर लेते, साल का अच्छा मैंने किया है। कहते नहीं किसकी कृपा से हुई, वैष्णव ठाकुर जी गुरु जी की कृपा से, ठाकुर का आशीर्वाद से हुआ है। ये वैष्णव जगत का ये धर्म है, कभी भी इसलिए प्रभुपाद कहते हैं आकर स्थाने इसे आरोप करता है, मतलब जो कुछ हुआ है ठाकुर कृपा से। रूप सनातन मठ में गए हो, कौन कौन गए, अब देखना जैसे ठाकुर इधर है इस तरफ में देखना क्या लिखा हुआ है, इस तरफ में समझो भक्तिवेद नारायण गोस्वामी महाराज लिखे मेरे गुरुपाद पद्मा नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज का कृपा आशीर्वाद से ये मंदिर प्रकाशित हुआ, उनकी आशीर्वाद से ही ठाकुर राधा विनोद बिहारी और ये रूप सनातन गौड़ी अमर उनका आशीर्वाद से ये प्रकाशित हुआ। किसी कृपा से, श्री गुरु जी की कृपा से। इसलिए कहते सब कुछ किसको कहते, सबके सब भगवान गुरु वैष्णव के ऊपर में सबके सब आरोप करते हैं, आकर स्थाने आरोप करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते आज जो मेरे ऊपर कृपा हो किसी कृपा से, किसकी कृपा से, कहते श्री गुरु जी की कृपा से, वैष्णव कृपा से, ठाकुर कृपा से। इसलिए कभी भी अपना नाम को नहीं लेनी चाहिए, जो कुछ है ठाकुर का कृपा। पांच आकर उतर भैस कृपा पतिता नाम पावन भो